हेलो इस पेरेंट्स, आई एम टी ए सोडी अगेन हेयर विद यू। आज हम डायरेक्शन का एक और आस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में जर्नी का कॉन्सेप्ट देखा था, इसमें कई बार इस तरह का भी क्वेश्चन आता रहा है एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी आता रहा है ये क्वेश्चन, और दूसरे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स जो हैं एसएससी बैंकिंग वगैरह उसमें भी ये क्वेश्चन आता रहा है। उन्होंने क्या किया होता है, वो एक टर्निंग सीक्वेंस दे देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है टर्निंग सीक्वेंस, एल का मतलब लेफ्ट है, आर का मतलब राइट है। तो इसका ये टर्निंग सीक्वेंस दे के ये पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसे आता है, तीन कॉन्सेप्ट हैं इसके। क्वेश्चन ऐसे आता है, उन्होंने कहा होगा कि एक पर्सन जिसने जर्नी शुरू की है उसका फेस किसी डायरेक्शन की तरफ है स्टार्ट में। अब कौन से टर्निंग सीक्वेंस को वो अडॉप्ट करे, कि उस एल आर के कौन से टर्निंग सीक्वेंस को वो अडॉप्ट करे कि एट द एंड ऑफ जर्नी उसका फेस भी सेम ही डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में उसका फेस स्टार्टिंग में था उसी डायरेक्शन की तरफ उसका फेस एट द एंड ऑफ जर्नी भी हो। और यहाँ हमको चार पांच चॉइसेस दी होंगी डिफरेंट कॉन्सेप्ट एल आर के, हमें एक चूज़ करना है। ये तो एक तरह का क्वेश्चन है। दूसरा इस तरह का क्वेश्चन आता है, उसी तरह ये दिया होगा कि एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी एक पर्सन का जो फेस है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ है, और वो इन फॉलोइंग टर्निंग सीक्वेंसेस में से कौन से टर्निंग सीक्वेंस जो है वो फॉलो करे कि उसका फेस एट द एंड ऑफ जर्नी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आए। यानी कि अगर वो नॉर्थ को फेस कर रहा है तो एट द एंड ऑफ जर्नी वो साउथ को फेस करे। और पहले केस में फॉर एग्जांपल अगर वो जिसमें सेम डायरेक्शन की बात की है, अगर उसका फेस वेस्ट की तरफ है एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी, तो एंड का फेस भी एंड पे भी उसका फेस वेस्ट की तरफ आए, किसी भी डायरेक्शन को दिया जा सकता है। और एक तीसरा आस्पेक्ट इसका ये है कि वो कहेंगे जी एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी एक पर्सन का फेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ है, सपोज वो उसका फेस जो है नॉर्थ की तरफ है, और कौन सा टर्निंग सीक्वेंस वो फॉलो करे अमंग द गिवन टर्निंग सीक्वेंसेस कि उसका फेस एट द एंड ऑफ जर्नी परपेंडिकुलर डायरेक्शन की तरफ आए। यानी कि अगर उसका स्टार्टिंग में फेस नॉर्थ की तरफ है तो एट द एंड ऑफ जर्नी उसका फेस या तो ईस्ट की तरफ हो या वेस्ट की तरफ हो। अगर उसका फेस वेस्ट की तरफ है एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी तो एट द एंड ऑफ जर्नी उसका फेस या तो नॉर्थ की तरफ हो या साउथ की तरफ हो। ये तीन आस्पेक्ट हैं जो आज हम देखेंगे कि इनको हमें कैसे करना होता है। ये क्वेश्चन जो है आता रहा है काफ़ी बार एग्ज़ाम में, इसलिए इस क्वेश्चन का आज हम लेक्चर जो है वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें तीनों चीज़ें हम बार एक कंटिन्यूसली देखेंगे अलग अलग से, कि सेम डायरेक्शन वाला और अपोजिट डायरेक्शन वाला और परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला। अब इसमें देखिए बात यह है कि सेम डायरेक्शन का मतलब है कि एट द एंड ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी जिस डायरेक्शन की तरफ फेस था एट द एंड ऑफ जर्नी भी उसी डायरेक्शन की तरफ उसका फेस होना चाहिए। अब इसमें कोई ज़्यादा इसका एक फार्मूला है, सेम डायरेक्शन का क्या फार्मूला है, अपोजिट वाला क्या है और एंड वाला परपेंडिकुलर वाला क्या है, वो तीनों हम देखेंगे। अब अगर सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो हमें चार या पांच चॉइसेस दी हुई हैं यहाँ आंसर में। हमें क्या करना है, हमें हर चॉइस में नंबर ऑफ एल और नंबर ऑफ आर को काउंट करना है, ठीक है। और जिस चॉइस में नंबर ऑफ एल और नंबर ऑफ आर सेम होंगे, यानी कि जितने एल हैं उतने ही आर हों, तो वो हमारा आंसर बनेगा सेम डायरेक्शन के केस में। कि अगर हमने जैसे यहाँ है एक दो तीन चार आर एल हैं और एक दो तीन चार ही आर हैं, यानी कि जितने एल हैं उतने ही आर हों, वो वाला टर्निंग सीक्वेंस हमें इस क्वेश्चन का आंसर देगा कि अगर उसका फेस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ है तो एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी तो एट द एंड ऑफ जर्नी भी सेम डायरेक्शन की तरफ हो। यहाँ फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये फार्मूला याद करना है। पर एक एविडेंस के लिए मैं यहाँ फिगर भी ड्रॉ करके देख रहा हूँ कि आपको ऐसी एक ही चॉइस मिलेगी, वहाँ आपको चार पांच चॉइसेस में से एक ही चॉइस ऐसी मिलेगी जिसमें नंबर ऑफ एल और नंबर ऑफ आर सेम होगा, तो वो जो क्वेश्चन उस ये जो टर्निंग सीक्वेंस होगा ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि उसकी डायरेक्शन उसका फेस सेम डायरेक्शन की तरफ है एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी भी और एट द एंड ऑफ जर्नी। तो हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं उसका फेस एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी वेस्ट को है। सपोज हम ये कहते हैं उसका फेस स्टार्ट ऑफ द जर्नी वेस्ट को है, ठीक है। अब पहला क्या है, लेफ्ट टर्न लिया उसने,
जिसका फेस वेस्ट की तरफ है उसका लेफ्ट कहाँ होगा, साउथ की तरफ। तो ये उसने पहला लेफ्ट टर्न लिया L1, उसके बाद फिर उसने लेफ्ट टर्न लेना क्योंकि अब सेकेंड L आ गया। अब जिसका फेस साउथ की तरफ है उसका लेफ्ट कहाँ है, ईस्ट की तरफ। तो यहाँ से वो ईस्ट की तरफ चला गया, ये L2 आ गया। उसके बाद अब राइट टर्न लेना है उसने। अब देखिए स्टार्ट में इसका फेस वेस्ट की तरफ है, ये स्टार्ट है, इसका फेस वेस्ट की तरफ है और ये हमें लेके आएगा सेम डायरेक्शन की तरफ। अब देखिए इसका फेस L2, अब इसके बाद R है, R का मतलब कि वो राइट को जाएगा, जिसका फेस ईस्ट की तरफ है तो राइट को जाएगा साउथ को। तो ये उसका R1 आ गया, तो इसका मतलब ये यहाँ साउथ को आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, फिर उसके बाद L आ गया। अब यहाँ उसका फेस जिसका साउथ की तरफ है उसका लेफ्ट ईस्ट की तरफ है, तो इस तरफ ये L3 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखते जाओ ये किसके पैरेलल डायरेक्शन आती है, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिर R आ गया, दो बार R आएगा। अब वो क्या करेगा, वो यहाँ से राइट को जाएगा तो यहाँ जाएगा R2, ठीक है। अब इसके बाद उसने फिर राइट को जाना है, इसका मतलब जिसका फेस साउथ की तरफ है उसका राइट इस तरफ है, R3, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता फिर लेफ्ट को गया, अब जिसका फेस लेफ्ट वेस्ट की तरफ है उसका लेफ्ट कहाँ है, साउथ की तरफ, तो वो L4, और फिर वो एंड में राइट पे गया। अब देखिए यहाँ वो जिसका फेस साउथ की तरफ है उसका राइट वेस्ट की तरफ है, तो यहाँ वो आके R4, और ये एंड आ गया जर्नी का, यहाँ जर्नी एंड हो गई। अब देखिए स्टार्टिंग में भी फेस वेस्ट की तरफ था, एंड में भी फेस वेस्ट की तरफ है, तो इसलिए ये वाला फार्मूला जो है यहाँ काम आएगा। तो ये एक फार्मूला उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जहाँ ये पूछा हो कि एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी एंड एट द एंड ऑफ जर्नी उनका फेस जो है एक ही डायरेक्शन की तरफ आना चाहिए, तो किसी भी डायरेक्शन का आप ले सकते हो। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर डायगनल डायरेक्शन के बारे में पूछा जाए, डायगनल डायरेक्शन जो है अगर सपोज वो उसका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ है स्टार्ट ऑफ द जर्नी में, अब उसके लेफ्ट और राइट टर्न भी आप जानते हो कैसे होते हैं, डायगनली होते हैं, 90 डिग्री पे हमें टर्न करना है क्योंकि 90 डिग्री का टर्न नहीं होगा, तो पहले वो लेफ्ट को मुड़ा, इसका मतलब उसने अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया तो इस तरफ वो लेफ्ट को मुड़ेगा L1, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट आ गया। इसके बाद फिर उसने लेफ्ट को मुड़ना है, अब अगर उसने फिर लेफ्ट को मुड़ना है तो उसका फेस नॉर्थ वेस्ट की तरफ है तो इस तरफ आएगा L2, ये आप सब जानते ही हो, टर्न्स की नॉलेज हमें है। इसके बाद उसने राइट को मुड़ना है, अब यहां आके राइट टर्न इस तरफ जाएगा R1, ठीक है। इसके बाद उसने फिर लेफ्ट को मुड़ना है L3, ठीक है। उसके बाद उसने दो बार राइट को मुड़ना है, अब जिसका यहां साउथ ईस्ट की तरफ है उसका राइट जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगा, तो ये उसका फर्स्ट राइट आ गया आगे, ये R2 आ गया। उसके बाद फिर वो राइट को मुड़ा, उसके बाद उसने फिर राइट को मुड़ना है तो इस तरफ मुड़ेगा लाइक दिस R3। इसके बाद वो लेफ्ट को मुड़ेगा, लेफ्ट को मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो ये आपका L4 आ गया। अब उसके बाद उसने राइट को मुड़ना है, जिसका फेस नॉर्थ वेस्ट की तरफ है उसका राइट नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट, ये उसको राइट को R4, ठीक है। अब देखिए इसका एंड ऑफ द जर्नी और स्टार्ट ऑफ द जर्नी सेम डायरेक्शन पे है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप अगर आप ये वाली सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि सेम डायरेक्शन होनी चाहिए तो उसमें हमें ये वाली चॉइस चूज करनी, ऐसी एक ही चॉइस होगी एग्जाम में, ठीक है जी। तो ये था सेम डायरेक्शन वाला, अब हम बात करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन की। ऑपोजिट डायरेक्शन में सपोज ये टर्निंग सीक्वेंस हमें डिफरेंट चॉइसेस के साथ, एक ये भी टर्निंग सीक्वेंस है R L L R then L then R R and R,
ये टर्निंग सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है। अब इसका एक फार्मूला क्या है, अगर वो बंदा क्वेश्चन ये आता है कि एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी वो किसी एक डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठा है, सपोज नॉर्थ की तरफ है, तो एट द एंड ऑफ जर्नी उसका फेस ऑपोजिट डायरेक्शन पे होना चाहिए, साउथ की तरफ, कौन से टर्निंग सीक्वेंस को फॉलो करके। तो एक टर्निंग सीक्वेंस ये है फॉर एग्जांपल डिफरेंट चॉइसेस में, तो उसमें हमें क्या चेक करना है, उसमें हमें एल और आर को काउंट करना है, नंबर ऑफ एल नंबर ऑफ आर को काउंट करना है। इसमें नंबर ऑफ एल कितने हैं, 1 2 3, और नंबर ऑफ आर कितने हैं, 1 2 3 4 5। उस पर्टिकुलर टर्निंग सीक्वेंस में जिसमें एल और आर में 2 का डिफरेंस हो, वो वाला जो टर्निंग सीक्वेंस है वो इस क्वेश्चन का आंसर देगा, जिसमें 2 का डिफरेंस हो, यानी कि 2 एल से 2 आर कम हो या ज़्यादा हो, या 2 आर से 2 एल कम या ज़्यादा हो। अब यहाँ 3 एल हैं और 5 आर हैं, इसका भी एग्जांपल ड्रॉ करके देख लें, फिगर ड्रॉ करने की आपको वैसे ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट वे आप सीधे उसी को आंसर दे दीजिए, पर एविडेंस के तौर पर हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में उसका फेस नॉर्थ की तरफ है, अब यहाँ उसका एंड ऑफ द जर्नी में फेस साउथ की तरफ होना चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले उसने फर्स्ट राइट टर्न लिया, ठीक है, इस तरफ। अब आपको पता ही है, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं कि लेफ्ट टर्न लेफ्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की लेफ्ट की तरफ क्या है, राइट की तरफ क्या है, दिस यू कैन इजीली नो। इसके बाद अब उसने लेफ्ट की तरफ टर्न लिया, तो ये पहला लेफ्ट टर्न आ गया उसका, ठीक है। इसके बाद फिर वो लेफ्ट टर्न उसने लिया, ये सेकेंड लेफ्ट टर्न आ गया, ठीक है। अब उसने राइट की तरफ जाना है, अब राइट का टर्न लेगा, तो इसका मतलब ये उसने राइट टर्न ले लिया R2। उसके बाद फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, सपोज ये उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, ठीक है, ये आपका आ गया L3। अब उसके बाद फिर उसने राइट टर्न लिया, अब तीनों बार उसने राइट टर्न लिया है, इसका मतलब ये है इसका फेस जो है अब राइट की तरफ आएगा, यानी कि ये इस तरफ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ गया R3, फिर वो राइट की तरफ जाएगा, सॉरी आर थ्री, अब फिर वो राइट की तरफ जाएगा तो इस डायरेक्शन की तरफ मुड़ेगा आर फोर, और अब यहाँ जिसका फेस ईस्ट की तरफ है उसका राइट साउथ की तरफ होगा, ये आर फोर। तो अब देखिए यहाँ जर्नी एंड हो गई, इसका मतलब ये है कि अब इसका फेस साउथ की तरफ है, स्टार्टिंग में इसका फेस नॉर्थ की तरफ था। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जहाँ एल और आर में 2 का डिफरेंस होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं डायगोनल डायरेक्शन में भी इसी तरह देख सॉरी डायगोनल डायरेक्शन में भी हम इसी तरह देख सकते हैं, इसी तरह फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था एक्चुअली आर एल एल आर एल आर आर आर, ठीक है। अब डायगोनल डायरेक्शन में सपोज उसका फेस नॉर्थ वेस्ट की तरफ है स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग में उसका फेस नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, ये स्टार्ट है। अब वो लेफ्ट को मुड़ा, लेफ्ट को मुड़ा तो इधर आया L1, इसके बाद फिर वो लेफ्ट को मुड़ा, ठीक है, तो इधर आया L2, L2, ठीक है। अब उसने राइट को मुड़ना है तो हमें पता है उसका राइट किस तरफ होगा, ये R2, सॉरी ये पहले उसने राइट को मुड़ना था, एक मिनट, वो नॉर्थ की नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस है उसका, पहला टर्न उसने राइट लेना था एक्चुअली, तो ये R1 आ गया। इसके बाद अब उसने लेफ्ट को मुड़ना है तो ये L1 आ गया, फिर उसने राइट लेफ्ट को मुड़ना है ये L2 आ गया। अब डायगोनल डायरेक्शन है, एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। अब उसने फिर राइट को मुड़ना है तो वो इस तरफ जाएगा R2, अब उसने फिर लेफ्ट को मुड़ना है तो इस तरफ जाएगा L3। अब उसके बाद तीनों बार उसने राइट को मुड़ना है, अब इस तरफ जाएगा राइट को R3, फिर राइट को जाएगा R4, और फिर वो राइट को जाएगा इस तरफ, राइट उसका किस तरफ होगा। अब देखिए ये R3 R सॉरी R1 ये R2 है, ठीक है जी, और ये इस तरफ राइट को गया तो ये आपका आ गया R1, उसके बाद लेफ्ट को मुड़ा, ठीक है L1, उसके बाद L2 लेफ्ट को गया, फिर उसके बाद राइट को मुड़ा R2, फिर उसके बाद लेफ्ट को गया L3, अब उसके बाद राइट को गया R3,
ये आर थ्री हो गया, इसके बाद फिर वो राइट को मुड़ेगा तो इस तरह मुड़ेगा लाइक दिस, ये आपका आर फोर, सॉरी इस तरह मुड़ेगा आर फोर, उसके बाद फिर उसने राइट को मुड़ना है। इसमें थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं इसको, थोड़ी फिगर बिल्कुल कंजेस्टेड हो रही है। देखिए ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है, अब इसमें डिफरेंस कितना है, पाँच का, तो इसकी तरह ये इसको पहले राइट में गया आर वन, इसके बाद वो लेफ्ट को मुड़ा एल वन, फिर वो लेफ्ट को मुड़ा एल टू, उसके बाद फिर वो राइट को मुड़ा आर टू, उसके बाद फिर वो लेफ्ट को मुड़ा एल थ्री, उसके बाद फिर वो राइट को मुड़ा आर थ्री, उसके बाद फिर वो राइट को मुड़ा आर फोर, आर फोर, और फिर वो राइट को मुड़ा आर फाइव। अब देखिए स्टार्टिंग में नॉर्थ वेस्ट था लेकिन एट द एंड ऑफ जर्नी वो साउथ ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है एंड ऑफ द जर्नी पे। इसका मतलब ये हो गया कि एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी वो नॉर्थ वेस्ट में था, एट द एंड ऑफ जर्नी वो साउथ ईस्ट में आ गया। तो इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन होगी उस केस में जिसमें आर और एल में दो का डिफरेंस होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसका तीसरा केस जो है वो देखते हैं हम, जिसमें वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की तरफ उसका फेस होना चाहिए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन की तरफ फेस होना चाहिए, यानी कि अगर वो ईस्ट या वेस्ट को फेस कर रहा है तो उसका फेस होना चाहिए नॉर्थ या साउथ को, और अगर वो साउथ या नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट को कर रहा है तो नॉर्थ या साउथ को, अगर नॉर्थ या साउथ को कर रहा है तो ईस्ट और वेस्ट को। ठीक है जी। अब इसका जो टर्निंग सीक्वेंस सपोज ये है आर एल आर एल एल आर एल, हाँ जी। अब देखिए इसका फार्मूला क्या है, इसमें भी आप R और L काउंट करेंगे। सपोज हमारे पास एक ऐसी चॉइस है डिफरेंट चॉइसेस में से, इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन का ये वाला सीक्वेंस आंसर देगा जिसमें L और R का एक का डिफरेंस होगा, यानी कि अगर चार L हैं तो तीन R हैं इसमें, या अगर चार R होते तो तीन L होने चाहिए थे, यानी कि L मीन्स लेफ्ट एंड R मीन्स राइट। तो इसलिए ये वाला डिफरेंस जो है ये इस तरह आएगा आर 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 तीन और एल 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 चार, या तो एक आर एल से ज़्यादा होना चाहिए या एक आर एल से कम होना चाहिए, तो तब हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा आंसर कि उसका स्टार्टिंग में फेस किसी डायरेक्शन की तरफ है तो एट द एंड ऑफ जर्नी उसका फेस किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन की तरफ आना चाहिए। अब इसको देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसका फेस जो है साउथ की तरफ है एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी, यहाँ उसने स्टार्ट किया जर्नी को और उसका फेस साउथ की तरफ है, अब उसने राइट को मुड़ना है। अब जिसका फेस साउथ की तरफ है उसका राइट जो है इस तरफ होगा आर वन, अब उसने लेफ्ट को मुड़ना है तो लेफ्ट को मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा एल वन, ठीक है, उसके बाद फिर उसने राइट को मुड़ना है तो इस तरह जाएगा आर टू, ठीक है, उसके बाद उसने फिर लेफ्ट को मुड़ना है, अब दो लेफ्ट टर्न हैं तो यहां देखिए लेफ्ट टर्न इस तरफ आ गया एल थ्री, ठीक है, उसके बाद फिर उसने लेफ्ट टर्न को एक दो तीन चार, हाँ एक ये आपका एक एल वन आ गया, उसके बाद एल टू आया, सॉरी एल टू, ठीक है, ये वाला एल टू, उसके बाद फिर वो लेफ्ट को मुड़ा है, मतलब पहले उसने ये वाली आर वन, ये आर वन हो गया, ये आर टू हो गया, ये आर थ्री हो गया, ये एल वन हो गया, एल टू हो गया, एल थ्री हो गया, एल फोर हो गया, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, सबसे पहले उसने राइट को टर्न किया इस तरफ से, राइट को टर्न किया, उसका फेस साउथ की तरफ है, उसके बाद उसने L1 यानी कि फर्स्ट लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद उसने सेकंड राइट टर्न लिया R2, ठीक है, उसके बाद फिर उसने सेकंड लेफ्ट टर्न लिया L2, अब उसके बाद वो तीसरा लेफ्ट टर्न लेगा, यानी कि उसका फेस साउथ की तरफ है तो उसका लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ, तो ये आपका L3 आ गया। इसके बाद उसने फिर राइट को टर्न करना है, अब राइट को टर्न करेगा तो वो इस तरह नीचे को करेगा, अब इसका फेस ये R3 आ गया, अब उसने लेफ्ट को टर्न करना है तो लेफ्ट को टर्न किया तो इस तरह किया, यानी कि वो ईस्ट फेसिंग आ गया, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग में उसका साउथ, यहाँ जर्नी खत्म होगी, एंड हो गया, ठीक है, L4,
L4। तो ये जो जर्नी है ये यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब देखिए उसका स्टार्टिंग में फेस साउथ की तरफ था, लेकिन एंड की तरफ, एंड में उसका फेस ईस्ट की तरफ आया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है ये इस तरह उस वक्त आएगा जब L और R में एक का डिफरेंस होगा। अब अगर हम इसका डायगोनल डायरेक्शन का देखें, ये सपोज उसका फेस साउथ वेस्ट की तरफ है, ठीक है, उसने पहला लेफ्ट टर्न लेना है, अब पहला राइट टर्न लेना, सॉरी, अब पहला राइट टर्न लेगा तो इस तरफ जाएगा R1, इसके बाद उसने पहला लेफ्ट टर्न लेना है L1, तो ये इस तरह जाएगा L1, ठीक है। ये हमें पता ही है कि ये कैसे, टर्न्स की नॉलेज है हमें अब तक, तो इसलिए ये इजीली हम कर सकते हैं, सॉरी, हाँ जी, तो L1 आ गया, उसके बाद फिर उसने राइट को मुड़ना है, तो ये इधर जाएगा R2, ठीक है, इसके बाद उसने फिर लेफ्ट को मुड़ना है, तो ये आ गया L2, इसके बाद उसने फिर राइट को मुड़ना है, लेफ्ट को मुड़ना है, सॉरी, ठीक है, L3, तो ये नीचे को जाएगा, ठीक है, इस तरह L3, ठीक है जी। अब उसके बाद उसने फिर राइट को मुड़ना है, तो राइट को मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा R3, उसके बाद उसने लेफ्ट को मुड़ना है, लेफ्ट को मुड़ना है तो वो इस तरफ जाएगा, लाइक दिस, यहाँ जर्नी एंड हो गई। तो ये कहाँ जा रहा है, L4। अब देखिए स्टार्टिंग में वो ऐसे था साउथ वेस्ट की तरफ, एंड में उसका फेस ऐसे है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, इसका मतलब है यहाँ 90 डिग्री का एंगल उसका बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसमें आपको फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रूवन एक है हमारा जो फॉर्मूला है, ये प्रूव किया हुआ है कि इस तरह ही आएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात हो गई, अगर हम देखते हैं सेम डायरेक्शन वाली, मैं थोड़ा इसको रिपीट कर दूं, सेम डायरेक्शन में ये जैसे L L R L L L R L then R R L R। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 L हैं, 1 2 3 4 R हैं, इनको हम नंबरिंग कर सकते हैं। इससे आपको टर्न बनाने में या इजी होगा, वैसे तो फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। सेम डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला कि जितने उस चॉइस को चूज़ करना है, जिस चॉइस में जितने L हैं उतने ही R हो, अपोजिट डायरेक्शन में वो चूज़ करना है जिसमें L और R में 2 का डिफरेंस हो, जैसे ये वाला था R देन L L R L R R R। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और L है 1 2 3। अपोजिट डायरेक्शन में 2 L और R में 2 का डिफरेंस होना चाहिए, और इसमें सेम में 1 का डिफरेंस, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसके साथ हमारा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। मैं फिर आपको बता दूं कि ये फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस इन फार्मूलों को याद रखना है, ये फार्मूली जो हैं इनको आपने याद करना है। सेम डायरेक्शन के लिए सेम नंबर ऑफ आर एंड एल, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए देर इज मस्ट बी डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन आर एंड एल, एंड फॉर परपेंडिकुलर डायरेक्शन देर मस्ट बी डिफरेंस ऑफ 1 R and L बिटवीन आर एंड एल, ठीक है। तो ये इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से कर सकते हो, और मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा, और अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता तो आप इजीली कर सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ